ये सरकार कुछ काम की नहीं है, ये सरकार अपयशी सरकार है और ये सरकार नियोजन बराबर नहीं कर रहे। इसका नतीजा ऐसा हो रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे और लोगों को मदद न करने वाली सरकार है, लोगों का दर्द न समझने वाली सरकार है। सात एप्रिल हा संपूर्ण जगामध्ये आरोग्य दिवस म्हणून मानला जातो, साजरा केला जातो। आरोग्यासाठी सेवा देणारे डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील व वेगवेगळ्या शाखेतील आरोग्य कर्मचारी असतील त्यांचा आज सन्मान केला जातो आणि या सर्वांच्या कार्यक्षमतेमुळे, कामामुळे सर्वांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते। म्हणून आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी असतील, डॉक्टर्स असतील, स्टाफ नर्सेस असतील, सर्वांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे। मी सुद्धा एक डॉक्टर आहे, एक सर्जन आहे। या आरोग्य दिनाच्या, जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो, विशेषतः मेडिकल क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, डॉक्टर्सना, सर्वांना माझ्या जागतिक आरोग्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा आहेत। भारतीय जनता पार्टी अभी जो सेकंड लॉकडाउन चल रहा है उसके खिलाफ है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, जब चार पाँच दिन पहले लॉकडाउन की बात चल रही थी तब मैं दिल्ली में था, वहाँ से ही मैंने विरोध किया था, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। हमारे जिलाध्यक्ष संजय केनेकर ने भी पालक मंत्री को मिलके विरोध किया था, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और अभी कल से जो लॉकडाउन चालू हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में, विशेषतः संभाजनगर शहर में, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे जिला की पूरी टीम कलेक्टर को जाके कल ही निवेदन दिया है और लॉकडाउन को विरोध किया है। हमारे महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं उसके पहले जनता के भी थोड़ी फिक्र करना चाहिए, व्यापारियों की फिक्र करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पेट पे है, जो जिनका हर दिन कमाई करते हैं, खाना खाते हैं, जो बिजनेसमैन ने आके भरत सारा माल इकट्ठा करके रखा है, वैसा ही गोदाम में पड़ा है, इसलिए व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो लॉकडाउन करने के पहले कौन सी ना कौन सी सुविधा व्यापारियों को देना चाहिए, उतना ही नहीं तो कुछ विविध अलग अलग योजना महाराष्ट्र शासन ने या बिजनेसमैन को, और उतना ही नहीं तो जिनका पेट हाथ पे है, जो मजदूर है, उनके लिए भी कुछ सुविधा देने की ज़रूरत है। ये सरकार कुछ काम की नहीं है, ये सरकार अपयशी सरकार है और ये सरकार नियोजन बराबर नहीं कर रहे। इसका नतीजा ऐसा हो रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे और लोगों को मदद न करने वाली सरकार है, लोगों का दर्द न समझने वाली सरकार है।